नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की तरफ से जिस तरह से पूरी यूटी के अंदर हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे रेड्स मारी जा रही है, वहीं पे अगर हम ज़िला डोडा की बात करें, ज़िला डोडा के अंदर भी आज सुबह सुबह ये खबर हमको सुनने को मिली कि अलग अलग लोकेशंस पे यानी कि 3 जगहों पे रेड्स मारी गई हैं। डोडा घाट के अंदर, डोडा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है, और डोडा सिटी के अंदर भी हमको ये चीज़ देखने को मिली, एक घर के अंदर रेड्स मारी गई, और डोडा के जो मरमत का इलाका है वहाँ पर रेड्स मारी गई। ये उन लोगों पर रेड्स मारी गई जिस तरह से मैं आपको बताऊँ कि 2019 में जब जमात इस्लामी को बैन किया गया था, और कहीं ना कहीं सोर्सेज के हवाले से यही खबर मिल पा रही कि ये लोग भी उसमें शामिल थे और इन पे ही शिकंजा कसा गया, और इन्हीं पे इन्वेस्टिगेशन आज सुबह से हमको देखने को मिली। पूरे घर चेक किए जा रहे थे, घर के अंदर जो सामान वगैरह था वो चेक किया जा रहा था, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे थे, इनकी पूरी जाँच पड़ताल की जा रही थी। मगर हम सुबह ग्राउंड ज़ीरो से ही पूरी सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे, पूरी जायज़ा हम खुद ले रहे थे कि किस तरह का माहौल इस इलाके के अंदर है, जहाँ जहाँ पर भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और उनके घर वालों से बातचीत वो सारे लोग कर रहे थे, उनसे जानकारी ले रहे थे। और हमें ये भी देखने को मिला कि CRPF वहाँ पे मौजूद थी, पहरा दे रही थी, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी हमको देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि अभी तक हमारे साथ ऑफिशियली कोई भी वर्जन हमारे पास नहीं आया है, SSP से बात नहीं हुई है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि SSP डोडा से हम बातचीत करें, या जो भी वहाँ से जो टीम आई थी उनसे हम बातचीत करें, ताकि पूरे मामले को जाना जाए, मामला था क्या, किस मामले को लेके ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। इनको सिक्योरिटी देना बस, बाकी वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करना हमारा। Thank you.